जाति से जुड़े केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अपील के बाद सियासत गर्माती दिख रही है। आरजेडी ने जीतन राम मांझी के बहाने एनडीए पर जाति और धर्म की राजनीति का आरोप लगाया है। इधर जेडीयू ने भी मांझी की अपील से किनारा कर लिया है। इस्तेमाल करते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे बिहार सरकार के मंत्री हो, इससे स्पष्ट होता है कि इनकी सोच कहाँ है, इनका पैमाना कहाँ है। ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से ये बिहार और बिहार के लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हैं। बिहार के लोगों को विकास के आयाम में जोड़ने के प्रति इनकी कोई गंभीरता नहीं दिखती है, इसलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि देखिए, देश का निजाम और देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान से चलती है, और उसी संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के बीच में ये विभेद नहीं किया जाएगा कि वो किस जात, धर्म, मजहब या किस जेंडर का वो व्यक्ति है। तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी तो संविधान के उच्च पदों पे वो बैठे हुए हैं। अगर किसी की ऐसी सोच भी है ना, इतनी खराब अगर सोच भी है अलगाववादी, डिस्क्रिमिनेशन वादी, तो इसकी तो तीखी भर्सना और तीखी आलोचना ही होगी और की भी जाती है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि लालू परिवार के राज में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या थी। उनके काल में चरवाहा विद्यालय खोले गए लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। जेडीयू के दावे पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने बिहार सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आज हाल यह है कि दवा अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाती है। नीतीश कुमार जी की सोच, नीतीश कुमार जी का नजरिया, जब जब देश में उनको काम करने का मौका दिया, जनता ने मौका दिया, नीतीश कुमार जी ने बड़ी लकीर खींची। आपके पिताजी के कार्यकाल में 135 चरवाहा विद्यालय खुला था, तो जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। जाहिर है तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको, चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए और नीतीश जी का मेडिकल कॉलेज भी देख लीजिए। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि बिहार में जो अस्पताल है वहां पर बेहतर ढंग से काम नहीं हो रहा है, वहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार स्वास्थ्य व्यवस्था में घुस पड़े हैं। जो दवाइयां पटना से चलती है वो दरभंगा तक नहीं पहुंच पाती है। इसी से समझ में आता है कि बिहार में मरीजों का क्या हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है और अस्पतालों की क्या स्थिति है। बिहार में हुए प्रशासन